हेलो दोस्तों, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके बीएड सेकंड ईयर के पेपर अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनकी फिलोसफी, यानी कि एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर विद स्पेशल रेफरेंस टू नेचर ऑफ नॉलेज, करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो टैगोर थे उनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी थी वो क्या थी, उनके एजुकेशनल थॉट्स कौन कौन से थे, इसके अलावा उनके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वो किस तरीके से होनी चाहिए, उसका क्या नेचर होना चाहिए, क्या करिकुलम होना चाहिए और मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो कौन कौन सी होनी चाहिए। ये सभी के सभी टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये आपका जो यूनिट नंबर 4 है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर है जो कि इंडिया के एक टॉप मोस्ट जो फिलोसोफर है वो माने जा सकते हैं, या फिर ये एक जिसको आप बोलते हैं कि भारत के एक जो मुख्य जो एक चिंतक थे या फिलोसोफर थे वो इनको हम मान सकते हैं। हिज नेम विल एवर शाइन लाइक अ स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ एजुकेशनिस्ट हु कॉन्ट्रीब्यूटेड हैंडसमली टू द कोज ऑफ एजुकेशन। यानी कि जब भी हम इंडिया के जो टॉप के जो आएंगे फिलोसफर्स उनका जब हम नाम लेंगे तो उनमें रविंद्रनाथ टैगोर का एक मतलब सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो अपने को देखने को मिलेगा। टैगोर के बारे में क्या बोला गया है, टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट प्रोफेट ऑफ द एजुकेशनल रिनेंसिस इन मॉडर्न इंडिया। यानी कि जो एजुकेशनल रिनेंसिस इंडिया में आया था मॉडर्न इंडिया में कॉलोनियल इरा में, उसके ये ग्रेटेस्ट प्रोफेट माने जाते हैं एक तरीके से। यानी कि इनका एक बहुत बड़ा योगदान था इंडियन एजुकेशन के रिनेंसिस में, यानी कि उसको उसका रीब्रथ करने में, उसको पुनर्जीवित करने में एक तरीके से। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी एजुकेशनल फिलोसफी क्या थी, इनके फिलोसफिकल थॉट क्या 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 थे। टैगोर वाज ए नेचुरलिस्ट कंपेरेबल टू रूसो बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन नेचर। यानी कि ये क्या है, जो नेचुरलिज्म है उस फिलोसफी को फॉलो करते थे। इनका जो नेचर है उसमें क्या है, टोटली फेथ था नेचर में। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट एवरी इंडिविजुअल शुड बी गिवन फ्रीडम टू ग्रो एंड डिवेल्प एज पर हिज ओन विशेज। इनका ये मानना था कि हर एक इंडिविजुअल को क्या है, मतलब फ्रीडम है वो दी जानी चाहिए, जिससे क्या है कि वो अपनी ग्रोथ और डिवेलपमेंट है वो कर सके उसकी च्वाइस के अकॉर्डिंग, उसकी विशेज है उसके अकॉर्डिंग। अबाउट हिज एजुकेशनल स्कीम ही क्लियरली सेड, एजुकेशन डाइवर्स्ड फ्रॉम नेचर हैज़ ब्रॉट अनटोल्ड हार्म टू यंग चिल्ड्रन। इन्होंने अपनी एजुकेशनल थॉट्स या एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में बोलते हुए इन्होंने ये लिखा है कि ऐसी एजुकेशन जो क्या है नेचर से डिफरेंट है, यानी कि जिसमें जो नेचर है वो इंक्लूडेड नहीं है, वो स्टूडेंट्स के लिए जो यंग चिल्ड्रन है उनके लिए क्या है हार्म लाएगी, अनटोल्ड हार्म होगी, यानी कि एक तरीके से मतलब उनके लिए वो क्या है नुकसानदेह होगी। ही वॉज अ रियलिस्ट एंड एन आइडियलिस्ट टू। वो क्या है रियलिस्ट और आइडियलिस्ट भी थे, यानी कि कुछ कुछ इनके जो फिलोसफिकल थॉट्स थे वो आइडियलिज्म और रियलिज्म से भी मिलते जुलते थे। बट इन नो वे ही वाज अ मटेरियलिस्ट, हिज रियलिज्म इज रिफ्लेक्टेड व्हेन ही सेज आवर एजुकेशन शुड बी इन टच विद आवर कंप्लीट लाइफ, दैट इज इकोनॉमिक्स इंटेलेक्चुअल एस्थेटिक्स एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल। इन्होंने अपनी एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में ये कहा था कि जो एजुकेशन है ना वो किसके टच में होनी चाहिए, वो हमारी कंप्लीट लाइफ के टच में होनी चाहिए, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, इकोनॉमिक्स इंटेलेक्चुअल एस्थेटिक्स सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो बेसिक प्रिंसिपल थे एजुकेशन के वो कौन कौन से थे, इन्होंने किन प्रिंसिपल को बेस बनाकर अपनी जो एजुकेशनल फिलोसफी है वो इन्होंने दी थी या एजुकेशनल थॉट इन्होंने अपने दिए थे। सबसे पहले ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस रिलेशन। टैगोर बिलीव्ड इन हारमोनियस रिलेशनशिप ऑफ मैन विद मैन एंड विद सराउंडिंग्स, दैट इज नेचर एंड इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इन्होंने बोला था कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो क्या हारमोनियस होना चाहिए मैन विद मैन एंड विद इट्स सराउंडिंग, यानी कि न सिर्फ केवल इंसान का इंसान से बल्कि उसकी सराउंडिंग्स जो एक ह्यूमन बीइंग है उसका उसकी सराउंडिंग्स के साथ भी क्या है एक हारमोनियस रिलेशन होना चाहिए। सराउंडिंग में क्या है जो नेचर है वो सारी की सारी आ गई। इसके अलावा इन्होंने जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उनके बारे में भी सेम जो जो बातें हैं वो इन्होंने बोली कि वो भी हारमोनियस एक रिलेशनशिप है वो होना ज़रूरी है। इसके बाद ये और क्या कहते हैं, द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मियरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक आवर लाइफ इन हारमोनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। इनका मानना था कि एजुकेशन वही है कि
एजुकेशन सिर्फ इतना सा नहीं है कि जो हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते, यानी कि किताबी ज्ञान ही एजुकेशन नहीं है। इन्होंने बोला बट मेक्स अवर लाइफ इन हारमोनी विद ऑल इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि एजुकेशन वो है जो हमारी लाइफ को क्या है, सारी की सारी जो एग्जिस्टेंस है उसके साथ हमारी क्या है, एक हारमोनी, प्रॉपर हारमोनी डिवेल्प करे, यानी कि हारमोनियस रिलेशन है वो डिवेल्प करे। वही इन्होंने क्या बोला कि एक ट्रू एजुकेशन है। फिर उन्होंने बोला प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इनका ये मानना था कि जो एक बच्चा है, एक यंग चिल्ड्रन है, उसको क्या है फ्रीडम जरूरी है उसके लिए। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट द चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम सो दैट दे आर एबल टू ग्रो एंड डिवेल्प एज पर देयर ओन विशेज, जो बात अभी मैंने पहले बोली थी, फ्रीडम इसलिए जरूरी है ताकि वो अपनी इच्छा अनुसार क्या है ग्रो कर पाए, डिवेल्प हो पाए। लेट देयर बी फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम ऑफ हार्ट एंड फ्रीडम ऑफ विल। अब फ्रीडम कौन सी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ माइंड एंड फ्रीडम ऑफ हार्ट और फ्रीडम ऑफ विल, ये सारी की सारी कुछ इस तरीके से इन्होंने बोला कि जो फ्रीडम है वो एक यंग चिल्ड्रन को हम प्रोवाइड करवाएंगे अगर हम उसका ओवरऑल अच्छे तरीके से डेवलपमेंट चाहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। टैगोर वाज नॉट इन फेवर ऑफ मेयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इनका ये मानना था कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन का रोल ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या बच्चों को दिमागी तौर पर उनको क्या है एक तरीके से मजबूत करे। ही स्ट्रेस दैट एजुकेशन शुड प्रमोट क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, इनका मानना था कि एजुकेशन को क्रिएटिविटी और जो सेल्फ एक्सप्रेशन है इसको डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए। ही सजेस्टेड दैट क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन कुड बी प्रमोटेड थ्रू द सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ, क्राफ्ट, म्यूजिक एंड ड्राइंग एंड ड्रामेटिक। अब इन्होंने कुछ एक अलग अलग जैसे सब्जेक्ट बता दिए, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, ड्रामा हो गया, ड्राइंग होगी, जिसके थ्रू हम क्या है क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन है ये दोनों ही क्या है बच्चे में डेवलप कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन विद नेचर, इन्होंने मतलब बोला था कि जो ट्रू एजुकेशन है वो नेचर की कंपनी से ही हम हासिल कर सकते हैं। टैगोर रिकमेंडेड दैट द एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन द कंपनी ऑफ नेचर That will strengthen the ties between man and nature. इसलिए इन्होंने ये बोला था कि principle of communication with nature भी क्या है ये एक important मतलब principle इन्होंने अपनी educational philosophy का दिया था। इसके बाद हम next देखते हैं, next point आता है जिसमें इन्होंने जो education है उसके main जो purpose है या जो aims है वो क्या क्या है, कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले ये बात करते हैं physical development की। Tagore strongly believed that good health is must for the learner. A sound mind is present in a healthy and hearty learner. इनका ये मानना था कि जो एक अच्छी हेल्थ है वो एक लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जो एजुकेशन है वो इस तरीके से होनी चाहिए जिससे बच्चों की क्या है ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं एस्थेटिक्स, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। टैगोर का ये मानना था जब जो अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट किया था जिसमें इन्होंने ये बात बोली थी एजुकेशन इज़ नॉट मियर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि ये क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन क्या है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें उसका एस्थेटिक्स, मॉरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ये सब का सब उसमें आ जाता है। थर्ड पॉइंट कहता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। द ग्रेट इंडियन सेंट वॉज अगेंस्ट द बुकिश नॉलेज, यानी कि जो टैगोर है उनको द ग्रेट इंडियन सेंट भी बोला गया है, वो बुकिश नॉलेज के बिल्कुल खिलाफ थे। ही डिड नॉट लाइक द स्कूलिंग प्रोसेस एज इट वॉज ट्रेडिशनल, यानी कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल प्रोसेस था, जो स्कूलिंग का प्रोसेस था, वो इनको बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से शूट नहीं करता था, ये टोटली उसके अगेंस्ट थे क्योंकि वो सारा का सारा फोकस करता था क्रेमिंग पर, रटाफिकेशन पर फोकस करता था। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि एजुकेशन क्या है कुछ अलग तरीके से होनी चाहिए जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, जिसमें उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आ जाता है। ही एडवोकेटेड दैट टाइप ऑफ एजुकेशन विच वुड हेल्प द इंडिविजुअल टू हैव फ्री थिंकिंग, यानी कि ऐसी एजुकेशन हो जिससे बच्चे में फ्री थिंकिंग है वो डिवेल्प हो, यानी कि वो क्रिएटिव बने। तो इस तरीके से इन्होंने अपना जो कुछ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसके बारे में अपनी इन्होंने क्या है राय दी थी, अपने विचार व्यक्त किए थे। नेक्स्ट है हारमोनियस डेवलपमेंट, सेम पॉइंट है जो अभी हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था, इसको आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पर्पजफुल एंड मीनिंगफुल एजुकेशन। एजुकेशन टैगोर के अकॉर्डिंग पर्पजफुल होनी चाहिए और उसका डेफिनेटली मीनिंग होना चाहिए, यानी कि जो ऐसी एजुकेशन जिसका कोई पर्पज़ नहीं होगा
तो वो क्या है, टोटली इनइफेक्टिव हो जाएगी, वो किसी भी काम की नहीं रहेगी। अगर उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो बच्चों को आगे उनका फ्यूचर नहीं दे सकती, तो ऐसी एजुकेशन के टैगोर बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। इसीलिए इन्होंने बुकिश नॉलेज है उसको क्या है, टोटली इन्होंने उसको नेगलेक्ट कर दिया था, यानी कि उसके अगेंस्ट थे ये। नेक्स्ट कहते हैं इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। टैगोर ने क्या है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की थी। टैगोर बिलीव्ड इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड वननेस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ही सेड कुड हेल्प इन फॉरन यूनिटी अमंग ऑल। इन्होंने ये बोला था इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी एजुकेशन के थ्रू बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलनी चाहिए। ये यूनिवर्सल जो ब्रदरहुड है उस चीज़ को मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करेगी, यूनिटी आएगी। ये सारी की सारी चीज़ें टैगोर के अकॉर्डिंग एक एजुकेशन का पर्पज़ है वो होना चाहिए, यानी कि टैगोर के अकॉर्डिंग जो मेन एम्स ऑफ जो एजुकेशन थे उनमें आप ये सारे पॉइंट डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टैगोर के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, यानी कि इन्होंने करिकुलम में क्या क्या बातें की। सबसे पहले ये बात करते हैं जो सब्जेक्ट्स होंगे टैगोर के अकॉर्डिंग, कौन कौन से सब्जेक्ट है वो ज़रूरी है। सबसे पहले ये बात करते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर की। जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो इन्होंने बोला कि जो मदर टंग है वो ज़रूरी है, इसके अलावा मदर टंग के अलावा कोई एक इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, और इंग्लिश या फिर कोई एक और फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये बात इन्होंने लैंग्वेज और लिटरेचर में की। दूसरे सब्जेक्ट की जब ये बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की, और जो नेचुरल साइंस है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जनरल साइंस और ये सारे के सारे आ जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री, सिविक, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी ये सारे आ जाते हैं। एग्रीकल्चर और टेक्निकल सब्जेक्ट की भी बात की थी, आर्ट, म्यूज़िक, डांस एट्सेट्रा, ये सारे के सारे हमने पहले भी देखे थे। इसके अलावा फिलोसफी, रिलीजन और साइकोलॉजी भी इन्होंने क्या है मेन सब्जेक्ट है वो करिकुलम के माने थे। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और जो ऑक्यूपेशन है वो बताए थे जो करिकुलम में होने चाहिए। डांसिंग हो गया, ड्रामा हो गया, म्यूज़िक हो गया, गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, ड्राइंग होगी, एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, ये सारे के सारे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ और ऑक्यूपेशन थे जो टैगोर के अकॉर्डिंग करिकुलम में डेफिनेटली होने ही चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन कौन से बताए। सबसे पहले ये बात करते हैं टीचिंग व्हाइल ट्रैवलिंग की। इनके अकॉर्डिंग ये बेस्ट मेथड था। टैगोर सेड टीचिंग व्हाइल ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट मेथड, सो ही लेड एम्फेसिस ऑन टूर्स। यानी कि इन्होंने क्या बोला कि ये जो बच्चा है ना वो ट्रैवलिंग के थ्रू क्या है सबसे बेहतर तरीके से सीख सकता है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो टूर वगैरह है उस पर एम्फेसिस किया कि उसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने डिबेट जो मेथड है उस पर फोकस किया, डिस्कशन मेथड हो गया, एक्टिविटी मेथड हो गया, और या फिर सेल्फ स्टडी हो गया। तो ये कुछ एक मेन जो मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन थे जो टैगोर के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है या ज़रूरी है। लास्ट में हम बात करते हैं कि इनके टीचर्स के लेकर क्या व्यू थे। द टीचर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। ही इज अ गुरु एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड फुली हिज डिसिपल द लर्नर। अब टैगोर ने बोला कि जो टीचर है वो क्या है, एक गुरु है, और उसका रोल है कि वो अपने डिसिपल को यानी कि लर्नर को यानी कि स्टूडेंट को क्या है बहुत अच्छे तरीके से समझे। ओनली अ गुड लर्नर कैन बी अ गुड टीचर। इन्होंने बोला कि जो अच्छा लर्नर होगा ना वही एक अच्छा टीचर है वो बन पाएगा। अ रियल टीचर इज एबल टू इंस्पायर एंड इज एवर रेडी टू गाइड हिज स्टूडेंट्स। टैगोर ने बोला कि एक जो रियल टीचर है, जो अच्छा टीचर होगा वो क्या है हमेशा क्या है अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेगा और उनको गाइड करने के लिए हमेशा से क्या है वो तैयार रहेगा। इन्होंने टीचर के बारे में क्या कहा था कि अ टीचर कैन नेवर बी ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। यानी कि जब तक एक टीचर सीख रहा है ना तब तक वो क्या है अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। अ लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। यानी कि इन्होंने ये बोला कि एक लैम्प दूसरे लैम्प को तब तक नहीं जला सकता जब तक क्या है ये खुद से क्या है अपनी फ्लेम में जल रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने टीचर के बारे में बोला था। टीचर को इन्होंने क्या है सबसे टॉप पे रखा, गुरु माना, और ये टीचर का रोल बताया कि वो अपने डिसिपल को क्या है सबसे अच्छे तरीके से क्या है समझे। तो ये क्वेश्चन आपका मतलब 16 मार्क्स में या 14 मार्क्स में आ सकता है जिसमें आपसे टैगोर की एजुकेशनल फिलोसफी है वो पूछी जा सकती है। तो उसमें आप ये सारे के सारे पॉइंट एज इट इज़ ऐड कर दोगे तो आपका बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन है आपका तैयार हो जाएगा।